अच्छा गाइस, जैसे कि आप देख रहे हो आज हम इस कंपनी में बात करेंगे, रोजली लिमिटेड कंपनी पे। गाइस ये भी एक स्मॉल कैप कंपनी है और आप देख सकते हैं इसका मार्केट कैपिटल 4204 करोड़ का चला, करंट प्राइस 368 है और वही इसका भाव निकाला गया था 499 तक का और लोन 199 तक का। स्टॉक भी 939 है, बुक वैल्यू 67 है, डिविडेंड 0.9% तक का दिया था। आरओसी भी देख सकते हो 18% तक का मैच अच्छा देखने को मिला, आरओई भी 12% तक का ग्रोथ अच्छा ही है। कैश फेस वैल्यू 1 रुपीज़ है, डेप्थ एक तरीके से 1.19 करोड़ का, तो एक तरीके से डेप्थ फ्री कंपनी है। प्रॉफिट ग्रोथ देखते हो 127% की है, सेल ग्रोथ 37% की है, वहीं प्रमोटर होल्डिंग देखो 70% की देखने को मिल रही है। कैश ब्रोजरी लिमिटेड इज अ सप्लायर ऑफ लेबोरेटरी ग्लासवेयर, माइक्रोवेव, किचनवेयर एंड ओपल वेयर इन इंडिया कंपनी है, जो कि ये सब इससे रिलेटेड काम करती है। इट सेल्स एंड मार्केट माइक्रोवेबल एंड फ्लेम प्रूफ किचनवेयर एंड ग्लास टम्बर टैम्बलर्स थ्रू मोर देन 15,000 रिटेल आउटलेट्स एंड हैज़ 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज। द कंपनी कंडक्ट इट्स ऑपरेशन इन 2 बिजनेस सेगमेंट्स, नेमली साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। तो गाइस इससे पता चलता है कि क्या किस चीज़ों से काम करती है। और गाइस आपको मैं चीज़ और एक चीज़ बता देती हूँ, जैसे कि आप देख रहे हो डैमरेजर फॉर ब्राउजली ग्लास वॉक भी आप देखते हो। इन फाइनेंशियल 20 कंज्यूमर प्रोडक्ट डिवीजन एंड साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट सेगमेंट ऑफ ब्राउजली ग्लास वॉक लिमिटेड वॉज डैमरेज विच रिजल्टेड इन अ बेटर कैपिटल स्ट्रक्चर विद इन द ब्राउजली ग्रुप ऑफ कंपनीज। और आप देख सकते हो कंज्यूमर प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो 39% का फाइनेंशियल ईयर का 22 जो बोला गया है रेवेन्यू का, वहीं साइंटिफिक प्रोडक्ट से 32% तक का है। तो गाइस ये सारे वर्क से रिलेटेड काम करती है, उसके बारे में हमें पता चलता है इस कंपनी के बारे में। और नंबर भी काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहेगा, जैसे कि पहले ये काफ़ी ऊपर 440 से ऊपर हाई गया था, लेकिन अभी गाइस आपको जिस प्राइस पे मिल रहा है तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कंपनी हैज़ रिड्यूस डेप्थ, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेप्थ फ्री, कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव क्वार्टर गुड क्वार्टर एंड डेप्टर्स डेज हैव इम्प्रूव फ्रॉम 42 to 38%। तो सबसे बड़ा ये मेन चीज़ होती है देखनी किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट की। गाइस स्टॉक इज ट्रेडिंग 5.4 times इट्स बुक वैल्यू, कंपनी हैज़ अ लो रिटर्न इक्विटी, थोड़ा बहुत लिक्विटी कम है, लेकिन गाइस अगर कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो खाली हम रिटर्न ऑफ इक्विटी की वजह से हम उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना नहीं छोड़ सकते हैं। वहीं अगर हम देखें इसके क्वार्टर के रिजल्ट, तो आप देख सकते हो 216 करोड़ का अभी रेवेन्यू हुआ है, जो कि पिछले क्वार्टर से और साल से कंपेयर करें तो थोड़ा सा कम है। वही नेट प्रॉफिट देखो तो 19 करोड़ का हुआ है। गाइस कंपनी प्रॉफिट में है, ऐसा नहीं कि लॉस में गई है, हाँ थोड़ा सा उसमें ग्रोथ थोड़ी सी हमें वैसे देखने को मिली, लेकिन गाइस देख सकते हो इसमें सेल्स को 32% की हुई है पिछले 3 साल में, और फाउंड्री प्रॉफिट ग्रोथ भी 51% की है, और आने वाले टाइम में हमें CGR भी देखने को मिल जाएगा। तो गाइस ऐसे कोई घबराने की बात नहीं होती, जिस तरीके से कंपनी की परफॉर्मेंस रही है और जिस तरीके से प्रमोटर की हिस्सेदारी बनी हुई है, FIS की भी बनी हुई है, TIS भी बढ़ रहे हैं और पब्लिक की भी हिस्सेदारी बढ़ती जा रही है, तो इट डजेंट मीन कि स्टॉक हमें थोड़ा सा ख़राब है या कुछ भी है या हम इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। देखिए स्टॉक अच्छा है, डार्क फ्री कंपनी है, जिस प्राइस में अभी मिल रही है तो अभी आप परचेज भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें 1.45% की हमें आज बढ़त देखने को मिली। तो आने वाले टाइम में देखिए कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं होता कि हमेशा डाउन ही जाता है, वो ऊपर भी बढ़ता है। देखिए 440 तक पहुँचा था, फिर नीचे डाउन हुआ, फिर हुआ, फिर अभी ये जिस प्राइस पर अभी आपको मिल रहा है तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अभी आप उसको बाय कर सकते। बाकी का इसको रिकमेंडेशन है, कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, आपको डिपेंड आप लोगों पे करता है। स्मॉल कैपिटल कंपनी पे आज की वीडियो मैं बना रही हूँ आप लोगों के लिए, कुछ स्टॉक्स ऐसे ला रही हूँ जिन पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। बाकी गाइज आप पे डिपेंड करता है आपसे, बस मैं अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग ले रही हूँ, बाकी आप खुद भी स्टडी करें, इन्वेस्ट करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के एडवाइस में। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, बिकॉज अगर आपके लाइक और सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है जिससे मैं आप लोगों के लिए ऐसे और अच्छी वीडियो लेकर आती हूँ। गुड बाय गाइस, थैंक यू।